सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको सूचित करने जा रहा हूँ कि हमने जो आज से 7 महीने पहले मल्टीवेगर दिया दिसंबर महीने में, आज वो डबल होकर भी ऊपर, यानी ये कह सकता हूँ कि 110% आज हो चुका है। दोस्तों, इससे बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात क्या होगी कि हमारे मेंबर्स जिन्होंने ये सर्विस दिया और जो इन्वेस्टर्स ने ये सर्विस दिया, सभी को आज जब सभी खुश हैं दोस्तों, बस उनकी खुशी से ज़्यादा मुझे ज़्यादा आज खुशी हो रही है कि हाँ, चलिए इन्वेस्टर्स मेंबर्स उनका पैसा डबल हो गया जो दिसंबर में, आज से 7 महीना। देखिए दोस्तों, 7 महीने में ही पैसा डबल हुआ है और उस समय भी मैंने दावा किया था कि ये आपका पैसा डबल होगा। कुछ लोगों ने, कुछ इन्वेस्टर्स ने हमें क्रॉस पॉइंट भी कहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्या है। मैं कहा, सिद्ध करके, समय आपको सिद्ध करके बता देगा, देखिए हो गया। और उसी खुशी में आपको और एक बात सूचित कर रहा हूँ, और ये हमारे सभी मेंबर को ये बात मालूम भी है कि हमने 14 फरवरी, और आपने मेरा पुराना अगर वीडियो कहीं देखा है तो मैंने वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी के दिन सभी मेंबर्स को, उस दिन केवल सभी मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने एक मल्टीवेगर दिया था, जो आज की तारीख में दोस्तों 64% अप्रिशिएट हुआ है। 64%, ये बात को नोट किया जाए, ध्यान में लिया जाए, 5 महीने पहले की बात है। 14 फरवरी, आज 16 जुलाई, देख लीजिए एग्जैक्टली 5 महीना 2 दिन कह दीजिए। 5 महीना 2 दिन पहले जो मैंने मल्टीबेगर सभी मेंबर्स को दिया, आज उनका एप्रिसिएशन है 64%। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे साथ जो जो जुड़े हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, खुश हैं। बस तो हम यही कहेंगे कि हमारा मल्टीबेगर स्टॉक सर्विस और मल्टीबेगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस काफ़ी गतिशील है और अग्रसर है एकदम सफलता की ओर। तो आप भी ये सर्विस लीजिए और पैसा बनाइए, कमाइए, और समय के साथ साथ आप स्वयं देखेंगे कि जोरदार प्रगति आपके शेयर प्राइस में है और आपके पैसे में भी ग्रोथ है। बस इसी खुशी के साथ दोस्तों आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ IRCTC के बारे में। हाँ दोस्तों, ये मेरा पार्ट 48 है और मेरे पार्ट 47 के एक एक वाक्यों को आप चाहें तो दोबारा चेक कर लीजिए, और वही सत्य हुआ जो मैंने कहा। मैंने एक वाक्य कहा था दोस्तों पिछले इस वीडियो में, 47th वीडियो में, कि IRCTC ऐसा बढ़ने लगेगा जो आप इवन कह सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वही हुआ दोस्तों। लगातार धीरे 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 प्रतिदिन ये बढ़ता रहा। तो कई लोग सोचे भाई यहाँ से तो गिरेगा, बिल्कुल नहीं, वो अपनी रफ्तार कायम रखा है। तो चलिए अब इसके बारे में हमें जानना है, इसने तो 52 वीक्स हाई आज ही टच किया है, चलिए जानते हैं, समझते हैं, एंड व्हाट नेक्स्ट वो भी देखते हैं। IRCTC का आज करंट मार्केट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस 2426.65 एज ऑन 16 जुलाई 2021। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, 38,826.40 करोड़। और मैंने एक वाक्य किसी वीडियो में जरूर कहा है कि ये कुछ महीने के बाद ये लार्ज कैप में चला जाएगा दोस्तों, IRCTC। और जिस दिन ये लार्ज कैप में चला जाएगा तो आप सोचिए शेयर प्राइस कहाँ तक चला जाएगा। बस अपने शब्दों को मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं टू द पॉइंट में हूँ अभी। इट हैज़ टच, आज ही इसने टच किया 52 वीक्स हाई 2,457.40 52 वीक्स हाई के हिसाब से। तो कुल मिला के प्रश्न यही है कि अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट। जो अगला क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कुछ वीडियो में ये कहा ही है और आप भी जानते हैं कि ये फ्यूचर ऑप्शन में है। तो फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, लगातार जब शेयर्स बढ़ने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसमें शॉर्ट भी होना शुरू हो जाता है। तो एक समय ऐसा आ सकता है IRCTC में जिसमें शॉर्ट होना शुरू हो सकता है। अगर ये शॉर्ट होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे अचानक जैसे बढ़ रहा है उसी पॉइंट से गिरने भी लगेगा। अगर ये गिरने लगा
तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको IRCTC अब धीरे धीरे सस्ते रूप में मिल रहा है। और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, आज ही 52 वीक्स हाई टच किया और क्लोजिंग देख सकते हैं लगभग 50 रुपए का जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, 30 से 40 रुपए का जो डिफरेंस है उसमें। आज ऐसे भी फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग डे है, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हुआ है। हाँ, यदि ये लेवल को तोड़ के अगर ये 2500 का एक रेंज दिखाता है या उससे आगे, तब तो ये अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा या वहाँ पर ये कंसोलिडेट हो सकता है। अगर वहाँ कंसोलिडेट हो रहा है तो धीरे धीरे एक और ऊंचाई की तरफ जाने की ये तैयारी करेगा। तो अक्सर मार्केट में क्या होता है, जो हैवी ऊपर के लेवल पर ले लेते हैं वो थोड़े समस्या में आ जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी ऊपर के भाव में आप IRCTC या कोई भी कंपनी ऊपर के ज्यादा भाव पे ज्यादा ना खरीद के एक लिमिटेड लेवल पे खरीदा जाए और नीचे पे ज्यादा खरीदें। तो अगर इसमें शॉर्ट पॉइंट आ गया तो हो सकता है धीरे धीरे ये 100 या 150 रुपया नीचे आ जाए। जिस दिन ये 100 या 150 रुपया नीचे आएगा, मजबूती से आप खरीद लीजिए, क्योंकि शॉर्ट होने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगा और शॉर्ट कवरिंग बहुत फास्ट होगा IRCTC में। और जब ये ऐसा समय आएगा तो आप इसमें और एक नई ऊंचाई देखेंगे। तो साधारण शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में यही है कि आपको अगर आप ले रहे हैं तो यही समझिए कि आप शॉर्ट टर्म में लेने वालों के लिए यही है कि अगर आपको 50 या 100 के रेंज में ज़्यादा मिले तो एक बार वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्हें तो बस इसी ताक में रहना चाहिए कि बस IRCTC आ जाए, बस 2200-2100 के रेंज में तो हम ले लेंगे। तो लेने का विषय अगर बनता है तो 2100 और 2200 के रेंज में जब ये दिखे तो थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स इस तरह से होना चाहिए कि अगर ये 2100 और 2200 का रेंज दिखा रहा है तो मैं वहाँ पे थोड़ी मात्रा में शेयर्स खरीद लूँगा, और ये 2500 या 2500 के ऊपर जा रहा है तो थोड़ी मात्रा में प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और लेकिन वहाँ पर अगर एक कंसोलिडेट होने लगा तो मेरा अगला वीडियो फिर आ जाएगा ये कहने के लिए कि अब अगला क्या हमें करना है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ आपने इन शब्दों को और पॉइंट को एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। तो बस यही कहना था आपके नॉलेज के लिए। और कुछ खास बातें हैं दोस्तों जो मैं कहना भी चाहता हूँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसके बाद मैं कुछ और भी कहूँगा चलते चलते। मैंने इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, या जैसे मैं कंपनी का एनालिसिस करता हूँ वैसे मार्केट में कौन क्या कर रहे हैं वो भी मैं इन्वेस्टिगेट कहीं ना कहीं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू कर लेता हूँ। और मैं ये जान चुका हूँ कि हमारे चैनल को कई लोग कॉपी करके यानी नकल करके उसी तरह से काम करने का विषय करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी कमाएं, सभी पैसा बनाएं, जो संसार में है सभी कमाएं, लेकिन सही तरीके से। किसी की नकल या कॉपी करके हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक सत्य रूप में प्रगति नहीं होता है। और हम जो करते हैं अपने क्रिएटिव आइडिया से, क्रिएटिव माइंड से काम करते हैं, ये एक नेचुरल क्रिएटिविटी है जो हमारे और हम अपने पॉइंट से, अपने असिस्टेंट से काम लेकर वो काम करते हैं। और उस कार्य में मेरा बेटा भी मेरा साथ देता है, वो अपनी जगह है, लेकिन सत्य यही है कि हम अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर काम करते हैं। हम वो काम करते हैं जो दुनिया में कहीं भी बातें लागू नहीं है, अपने आप वो नेचुरल क्रिएटिविटी काम करता है, जो वहाँ से कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से वो सब बातें लागू होती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो नकल करते हैं या वो करें, उस कार्य को न करें, और करें तो अपने तरीके से करें, ये हमारा उनसे निवेदन है। जो लोग हमारी नकल करके या हमारे कार्यों की नकल करके काम करते हैं उनसे निवेदन है मेरा कि इस कार्य को वहाँ पर पूर्ण विराम दें और अपना कुछ नया सोचें या करें काम। बस यही कहना था। और बाकी ये मैं एक गुड फेथ में मैंने बात कहा है, तो इस बात को सौदार्य रूप से लिया जाए बस। और मेरा यही कहना है कि हमारा सेवी शेयर एकेडमी, आप जानते ही हैं दोस्तों,
कि एक ब्रांच हमारा यहाँ मुंबई में है, भयंदर में, और दूसरा वाराणसी में हम सेटअप कर ही रहे हैं, जैसे कि हमने बता दिया है। बस यहीं तक हम सीमित हैं और बाकी तो कार्य जो चल रहा है वो चल ही रहा है। बस इतना ही कहना था दोस्तों, और एक आपके नॉलेज के लिए कि हमारा जो हमने शुरू किया था इस कार्य को पूरा करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, हाँ तो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का पूरा कार्य हमारा पूर्ण रूप से कल पूरा हो रहा है, और जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कहा है कल उन्हें सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो जिस किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक गाइडेंस चाहिए, एक सही मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए हमारा कोर्स उनके लिए वरदान होगा। तो ये जो करते हैं या जो इस दुनिया में हैं उनके लिए ये वरदान होगा। तो इस कोर्स के बारे में जो भी जानकारी है आप प्राप्त करिए और WhatsApp में मैसेज कीजिए, बाकी आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और बाकी हमारे जो और भी सर्विसेज हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, सारी सर्विसेज की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।